राम राम भाई सारे भाई अपना 75 आज अपना सेवेंटी फाइव वार डे चैलेंज का क्या वुमां दिन पढ़ का आज घर पर ही करेंगे अपनी जिम तो आज का जो अपना वर्कआउट रहेगा वही देसी जो पहले हम करते आए थे वो पहले तो सीढ़ियों से स्टार्ट कर लेते हैं नॉर्मली दौड़ के सीढ़ियों पे चढ़ना और फिर ये वाली स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज जो नी के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है उसके बाद जो है वार्मिंग अप में हम ये तीसरी एक्सरसाइज ऐड कर लेते हैं सिटअप्स बोलते हैं इस एक्सरसाइज़ को लेकिन तीन सेट लगाते ही पता लग जाता है कि कितनी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है ये देखने से इजी लगती है तो करके देखना कभी सीढ़ी वाला अपना वर्कआउट हो गया है ख़त्म तो अब पहुंच जाते हैं छत पे तो छत पे जाके जो है थोड़ी रनिंग कर लेते हैं मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है छत पे और ठंडी हवा चल रखी है और सूर्य देवता भी निकल चुके हैं चलिए अब स्टार्ट करते हैं जंपिंग वाली एक्सरसाइजेस तो स्टार्टिंग में नॉर्मल जंप करेंगे उसके बाद जो है साइड जंप के तीन सेट करेंगे लेकिन वीडियो यहाँ पे एक ही सेट की बनाई हुई है इसी के साथ जो अपनी साइड हो होगी है ख़त्म तो ये स्पेशल वाली जंपिंग और स्पेशल वाली स्ट्रेचिंग कर लेते हैं जिसमें आपकी माइंड कोऑर्डिनेशन और मसल कोऑर्डिनेशन बनता है एक साथ में जंप करना होता है एक साथ में ही जो नीचे टच करना होता है अब आती है अपनी नेक्स्ट जंप की बारी हाफ़ सीटअप जंप बोलते हैं इसको और ऊपर की तरफ कूदना होता है इसमें थोड़ा जिनकी हाइट छोटी होती है अप टू एज ट्वेंटी थ्री तक उनको जरूर करनी चाहिए ये वाली एक्सरसाइज तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज ये वाली दीवार के सहारे जैसी चेयर पे बैठते हैं तो इसमें जो है भाई लेग्स बिल्कुल बर्न हो जाती हैं आप करके देखना एक बार और आपकी जो लेग की मसल्स हैं वो हैमस्ट्रिंग वाली और जो फ्रंट वाली वो बिल्कुल मतलब अच्छे वाली स्टैच होएंगी 45 फाइव सेकेंड से एक मिनट तक ट्राई करना ये वाली एक्सरसाइज चलिए अब बारी आती अपनी पेट की एक्सरसाइज़ की या कोर मसल और एब्स भी कह सकते हैं इस प्रैक्टिस से जो है फ़ैट तो चली ही जाएगी एब्स भले ही ना आए लेकिन वहाँ पे एक शेप आ जाएगी जैसे एब्स आती है तो उससे पहले एक शेप आती है तो वो सेप बड़े आराम से बन सकती है इन एक्सरसाइज से प्लैंक वाली एक्सरसाइज के तीन सेट करने चाहिए मतलब वीक में दो से तीन बार तो ज़रूर और एक एक मिनट के होने चाहिए तीनों ही सेट और ये रही अपनी स्ट्रेचिंग बैकबोन के लिए आपको जो है लेफ़्ट हैंड के साथ राइट फिट को टच करना होता है और राइट हैंड के साथ जो है लेफ़्ट फिट को टच करना होता है पहले मैं योगा करते हुए लोगों को देखता था तो ये लगता था कि कुछ नहीं होता इस चीज़ से मतलब ऐसे हाथ लगाने से क्या होता होगा या ऐसे सांस अंदर बाहर करने से क्या होता होगा लेकिन जब खुद करके देखते हैं तो पता लगता है कि बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट होता है और अब बारी आती है अपनी साइड प्लैंक की साइड प्लैंक में क्या होता है एक बाजू के ज़ोर पर आपको जो है साइड से ऐसे जो पोजिशन मैंने बना रखी है ऐसे करना होता है तो जो पेट के साइड में फैट होती है उसके लिए ये एक्सरसाइज होती है उसको कम करने के लिए चलिए अपनी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसका नाम है क्रंचज कर वाली जो एक्सरसाइज है इसके तीन सेट लगाने चाहिए और कम से कम जो है बीस रैप जो है हर एक सेट में रखने चाहिए तो बड़ा ही अच्छा असर दिखेगा आपको अपने पेट पे चले अब अपनी हो गई है करंट चीज़ वाली एक्सरसाइज ख़त्म और नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी लेग रेज वाली एक्सरसाइज तो लेग रेज के भी हैं जो ऐसे ही तीन सेट बनते हैं और तीन सेट में जो है आपको 20 से 25 रिपीटेशन करने चाहिए लेग रेज के साथ ही ये ट्विस्ट वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है पेट को और थोड़ी स्ट्रेचिंग भी हो जाती है उसके बाद बारी आती है तीन बार साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज करने की तो जैसे रियल में हम साइकिल चलाते हैं ऐसे ही लेट के हमें अपने पैरों को ऐसे मूव करना है जैसे साइकिल चला रहे हो और साइकिलिंग के बाद जो आती एक्सरसाइज वो होती है लेग्स को होल्ड करके रखना होता है थोड़ा सा ऊपर उठा के और हाथों की जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए उसके बाद जो है हम लेग को ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं एक लेग को थोड़ा ऊपर एक लेग को थोड़ा नीचे की तरफ करके और इनको मूव भी कर सकते हैं ये होगी आज की अपनी पेट की एक्सरसाइज और आप कर लेते हैं सबसे लास्ट में पुशअप्स के सेट ये रहा अपना पुशअप्स का फर्स्ट सेट जिसमें मैंने ट्वेंटी फाइव पुशअप्स लगाए हैं ये रहा सेकंड सेट इसमें जो है मैंने ट्वेंटी फाइव पुशअप्स लगाए थे और ये रहा थर्ड सेट इसमें मैंने जो है ट्वेंटी फाइव पुशअप्स लगाए थे इन्हीं पुशअप्स के साथ जो अपना मॉर्निंग का वर्कआउट होता है ख़त्म और दिन में निपटा के अपने सारे काम और शाम को फिर से लग जाते हैं अपने देसी वर्कआउट पे पुशअप्स पे ही शाम को बढ़िया पंप आता है क्योंकि दिन में जो आपने खाना खाया होता है उसकी एनर्जी होती है बॉडी के अंदर तो चलिए इन्हीं पुष सब्स के साथ जो है इवनिंग का अपना वर्कआउट हो गया खत्म और भगवान का ले लेते हैं नाम शाम को पढ़ लेते हैं बजरंग बाण इसी के साथ जो है आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद